स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में अब बिजली के मीटर भी स्मार्ट लगेंगे। इसके लिए रास्ता साफ हो गया है, जिसको केंद्र सरकार की पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। गुरुग्राम में लगने वाली ये स्मार्ट मीटर इतने स्मार्ट होंगे कि इसकी रीडिंग भी आसानी से अधिकारी उपभोक्ता तक ऑफिस और घर में बैठे देख सकेंगे। मीटर्स में जो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि स्मार्ट मीटर्स में जो सबसे पहला एडवांटेज जो रहेगा कि उसमें कोई भी मीटर रीडर को कोई रीडिंग लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो रिमोट से GPRS या RF से रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टेक्नोलॉजीज हैं आजकल लेटेस्ट आ गई हैं, तो सभी उन IT टेक्निक्स की वजह से वो रीडिंग ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल रूम में पड़ी जाएगी और कोई भी अगर कोई मीटर में कोई टेम्परिंग होगी तो उसका भी उसी तुरंत पता लग जाएगा, और यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता तो भी उसकी इंटीमेशन डायरेक्टली कंट्रोल रूम में आ जाएगी। गुरुग्राम का बिजली विभाग अब और भी स्मार्ट हो जाएगा। वहीं लोगों को अब ये स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यही नहीं, मीटर से रीडिंग लेने के लिए बिजली कर्मियों को घर घर की चक्कर भी नहीं काटने होंगे। इस मीटर में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी कि उपभोक्ता के साथ साथ विभाग को भी इस मीटर लगने के बाद सहूलियत हो जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद गुरुग्राम में पहले चरण में ये मीटर लगाए जाएंगे। जो आपने पूछा कि कब तक लग जाएंगे, वो हमारा ऑलरेडी 5,000 मीटर हमारे स्टॉक में आ चुके हैं और किसी भी समय मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि शायद 1 फरवरी से ये मीटर लगने शुरू हो जाएंगे, और हम हमारा जो पहला लक्ष्य है 5,000 मीटर लगाने का वो हम फरवरी के महीने में पूरा कर लेंगे। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की तरफ से ये मीटर हरियाणा को भी दिए जाएंगे। हरियाणा में कुल 10 लाख मीटर लगेंगे, जो कि पहला चरण होगा। वहीं इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी ये मीटर पहले लगाए जाएंगे। उसके बाद हरियाणा के दूसरे इलाकों में ये मीटर लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में 5 लाख मीटर लगेंगे। वहीं गुरुग्राम में इस मीटर की टेस्टिंग भी की जा चुकी है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम में बिजली चोरी रोकने और लोगों को सहूलियत देने के लिए ये स्मार्ट मीटर खम्भों पर नजर आएंगे। गुरुग्राम में बिजली विभाग की तरफ से ये मीटर लगाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं इसके लिए विभाग की तरफ से एक बार विद्युत मंत्रालय में भी बैठक भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हरियाणा स्मार्ट और हाई टेक बने। उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें जो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या जब जैसे ही वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है तो आगे जो हमारा 5 लाख मीटर लगाने का प्रोग्राम है वो उसको हम आगे गो अहेड दे देंगे। उसी कड़ी में ये काम किया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों ने इस मीटर के लगने के बाद चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं कोई उपभोक्ता को इसमें कई फायदे होंगे। मीटर रीडिंग की एक एक जानकारी आसानी से इस मीटर से जुटा पाएंगे।